लोहरदगा में ब्लास्ट के बाद पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 3 जवान घायल। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंग दाग थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को दिन दहाड़े पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान माओवादियों ने IED ब्लास्ट कर दिया। यह ब्लास्ट मुख्य पथ पर किया गया। इसमें 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। बताया गया है कि अंजनी कुमार पांडे सैफ के जवान हैं। अंजनी को सीने में गोली लगी है, जबकि उपेंद्र को जांघ में गोली लगी है। शाही घाट में 7 जवान चेकिंग में गए हुए थे, इसमें 2 घायल हुए हैं। ग्रेनेड ब्लास्ट कर हमला किया गया। आधे घंटे तक गोली चली है। माओवादियों की तरफ से पहाड़ के दोनों ओर से नक्सलियों ने हमला किया है। इसमें 1000 चक्र गोली चलाई गई है।